सोहना के भोंडसी थाना एरिया में देर रात एक युवक ने छात्रा के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली कंधे में लगी। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में अनबन होने पर युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया। घायल को गुड़गांव के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने घायल की बहन के बयान पर युवक को नामजद कर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। मूल रूप से राजस्थान निवासी 22 वर्षीय विष्णु प्रसाद भोंडसी एरिया में किराए के मकान में रहता है। वह किसी कंपनी में काम करता है। यहीं पर पड़ोस में 16 साल की किशोरी रहती है। वह बादशाहपुर के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। आरोप है कि रात करीब 10 बजे विष्णु ने छात्रा के घर आकर उसके साथ गाली गलौज किया। बात बढ़ जाने पर उसने छात्रा पर फायर कर दिया। गोली किशोरी के कंधे में लगी। घर में मौजूद लोगों को जब तक इस वारदात का पता चलता तब तक युवक मौके से फरार हो गया था। गोली लगने के बाद एरिया में अफरा तफरी मच गई। घायल को निकट के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। यहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर है। जिस वक्त गोली मारी गई उस समय नाबालिग सिलाई मशीन पर काम कर रही थी। उसी वक्त आरोपी अपने साथियों के साथ बाइक पर आया और नाबालिग पर गोली चला दी गई और उसके कंधे पर जाकर गोली लगी। आरोपी विष्णु मुख्य रूप से राजस्थान का रहने वाला है, जो भोंडसी के श्याम कुंज इलाके में बोरवेल का काम करता है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका था। युवक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। क्या नाम आपका? राजवती। राजवती, आपकी बेटी है जिसको गोली मारी? हाँ जी। तो कैसे, क्या मामला था? कुछ भी मामला नहीं था जी। परसों बैठी थी मेरी जीने पे, हम मम्मी बैठे, दोनों बैठे थे दोनों। तो यहाँ से जा रहा था गुजरते हुए, फोन पे बात कर रहा था और कह रहा था अब तुझे जान से खत्म कर दूंगा मैं। फिर हमने सोचा कि ऐसे कह रहा है मेरे को किसी और से। अब उसने कल वो करके दिखा दिया वो काम। अब पुलिस ने कार्रवाई की है? अब देखो जी, कर तो रही है, अब करेगी कि नहीं करेगी ये तो पुलिस वाले जाने, या तो मतलब इंसाफ चाहते हो? बिल्कुल चाहती हूँ। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ जी। जो सजा मेरी बेटी को मिली है ना, वही सजा उसे मिलनी चाहिए। गुड़िया कहाँ पड़ती है? मैं इसमें बादशाहपुर में गवर्नमेंट स्कूल में, गर्ल्स गर्ल्स में। चेतराम। चेतराम जी, आप लड़की के फादर हैं? हाँ जी। तो कैसे, क्या हादसा हुआ? ये 2 महीने पहले लड़की के पीछे करता था, स्कूल में भी जाता था, छेड़छाड़ करता था। हमने इसकी FIR दर्ज करा दी थी, रात को पकड़ ले गए थे PCR वाले। सुबह जो जिनके पास ये काम करता ना, इस नए गांव के हम गुजर, उन्होंने राजीनामा करा दिया। उन्होंने गारंटी ली दो बंदे ने, एक मारती कुंज का, एक नए गाँव का, कि आपके बाद वो कुछ नहीं करेगा। 1.5 महीने शांत रहा, अब 15 दिन से यहाँ से निकल कर जाता है, कहकर तेरे को गोली मार दूंगा, तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। कल ये हादसा हुआ 8:30 बजे। हाँ जी। हाँ जी। गोली कहाँ लगी? गोली यहाँ से पार हो गई है, हड्डी भी करेगा। अच्छा, अब तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। आरोपी का क्या नाम है? विष्णु। क्या काम करता है? बोरवेल की मशीन पर काम करता है। तो आरोपी फरार है? वो पकड़ा नहीं गया। तो आप क्या चाहते हो? हम तो केस करना चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं। हाँ। पुलिस ने कार्रवाई की है? पुलिस आई थी यहाँ, फोटो वोटो ले गए, गोली भी मिली है। पार होने के बाद गोली यहाँ निशान लगा कर गए हूँ, उसमें हॉस्पिटल में भी गए हूँ। फिर जब भी डॉक्टर ने हाथ लगाया उसको इलाज के लिए, उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं करा था। अभी 11 बजे का टाइम है ऐसा।